आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको कार्टव्हील सिखाऊंगा। आप कार्टव्हील कैसे कर पाओगे मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। उसके लिए क्या वार्म अप चाहिए वो भी मैं सिखाऊंगा। हर स्टेप को मैं क्लियरली आपको बताने वाला हूं। आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। चलो सीखते हैं कार्टव्हील कैसे होता है। देखो कार्टव्हील करने से पहले आपको पहले अच्छे से वार्म अप करना चाहिए। आपका हैंड लेग आपको स्ट्रेच अच्छे से होना चाहिए। स्ट्रेच अच्छे से कर पाओगे तो कार्टव्हील आराम से कर पाओगे। आपको वार्म अप सिखाऊंगा। आप वार्म अप कैसे करोगे, थोड़ा जंप करोगे, बस ऐसे जंप टर्निंग फास्ट टर्निंग होना चाहिए। स्टेप फॉरवर्ड साइड थोड़ा सा जंप हो जाए तो आपको हैंड सर्कल करना चाहिए। जैसे जंप चेंज बॉडी ट्विस्ट फिर आपको हैंड का स्ट्रेच करना चाहिए। ऐसे फिर आपको थोड़ा सा नी अप डाउन करना चाहिए और दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाना चाहिए। राइज करके आपका टॉप इसे होल्ड करके नी टच करना चाहिए। फिर आपको साइड लेग वाइड ऐसे करना है। फिर आपको साइड डाउन करना है और साइड का स्ट्रेच करना है। चेंज फिर आपको सेंटर स्प्लिट करना है। स्ट्रेच आप अच्छे से कर पाओगे तो कार्टव्हील और जिमनास्टिक का हर मूव आसानी से कर सकते हो। तो पूरा स्ट्रेच करना चाहिए ऐसे पूरा फुल स्ट्रेच करना चाहिए आपको। स्ट्रेच आपका स्ट्रेच कंप्लीट हो जाएगा तो आपका कार्टव्हील बहुत आसान होगा। कार्टव्हील का फर्स्ट स्टेप आपको ऐसे टू फ्री क्लोज करना है। दोनों पैर को ऐसे पास लाना है और क्लोज करना है। फिर आपको दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाना है पूरा सीधा स्ट्रेट। कार्टव्हील यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ से जाएगा तो आपका लेग स्विंग और ज़्यादा फास्ट होगा। तो आप क्या करोगे ना, टू फीट ऐसे क्लोज करोगे पहले, फिर दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाओगे और लेफ्ट लेग को आगे लाओगे। ऐसे लेफ्ट लेग आगे लाओगे और टच करोगे। जब ग्राउंड में टच होगा तो आपका लेग स्विंग स्पीड होना चाहिए। साइड में देखो, टू फीट ऐसे क्लोज करना है फास्ट। फिर आपको दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाना है और लेग लेफ्ट लेग को आगे लेना है। और जब जमीन पर टच करोगे लेफ्ट लेग का टो टच होना चाहिए। जब टच करोगे तो लेग का स्विम, जो लेग पीछे है वो लेग का स्विम फास्ट होना चाहिए। देखो बस लेग स्विम फास्ट होना चाहिए। आपको वार्म अप इसके लिए मैंने स्ट्रेच बताया। स्ट्रेच बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्ट्रेच अच्छे से कंप्लीट करोगे तो कार्टव्हील आराम से होगा। दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाए फिर लेफ्ट लेग को आगे लेना है। फिर जब जमीन पर टच करोगे लेफ्ट लेग तो आपको लेग स्विम मारना है फास्ट। बस ऐसे प्रैक्टिस करना है आपको, लेग स्विम स्पीड करना है। अब जब जमीन पर टच करोगे तो दोनों हाथ ऐसे रहेगा और फिंगर ऐसे खुला रहेगा। ऐसे नहीं, फिंगर ऐसे खुला रहेगा और ऐसे ही जमीन पर ऐसे ही लगेगा। ऐसे ही लगेगा ऐसे नहीं साइड में नहीं, ऐसे स्ट्रेट में लगेगा। फिर आपको कार्टव्हील करना है। देखो आराम से फास्ट दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाना है। फिर आपको जब टच करोगे जमीन पर तो किक मारना है। जब किक मारोगे जमीन पर हैंड ऐसे मूवमेंट रहेगा, हैंड जमीन पर ऐसे मूवमेंट रहेगा। साइड में आपको एक ही लाइन में कार्टव्हील करना है। देखो एक ही स्ट्रेट में, ऐसा नहीं कि मैं टेढ़ा करूँगा, एक ही लाइन में करना है। आपको लैंडिंग पोजिशन ऐसे होना चाहिए और बीच में आपका लेग मूवमेंट भी होना चाहिए। ऐसे स्ट्रेच खुला रहना चाहिए, आपका कार्टव्हील आराम से होगा। देखो और एक बार हैंड मूवमेंट ऐसे ऊपर उठाना है, फिर आपको लेग ऐसे आगे लेना है। फिर यहीं पे आपको खींचना है, बॉडी को आगे तरफ धकेलना है और किक फास्ट मारना है। ले
लेग मूवमेंट भी में जाएगा। आपका ऐसे करोगे तो आपका कार्टवील कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको वन हैंड कार्टवील और नो हैंड कार्टवील, एरियल कार्टवील जिसे बोलते हैं, इसे करने से आपका एरियल कार्टवील भी आसान होगा करने के लिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना, जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।